पूरा घर सेट हो गया, अब लग रहा है ना ये हमारा पहले जैसा अपना घर। रहने दो रहने दो, तुम्हारे घर साफ करने के चक्कर में मेरी तो मेरी हड्डी पसली एक हो गई, कमर में इतना दर्द हो रहा कि बस कहाँ नहीं जा रहा राज। अब अगर ये घर हमारा है तो इसे साफ रखना भी तो हमारा ही फर्ज है ना, अच्छा लगेगा ना। अच्छा का मतलब? अच्छा का मतलब क्या है? इससे पहले गंदे तरीके से घर रखता था मैं, हाँ अरे मजे से रहता था मैं, कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी मुझे, जूते कहीं पे, टॉल्स कहीं पे, कपड़े कहीं पर। जब से तुम आई हो घर के साथ साथ मुझे भी साफ कर दिया तुमने राज। ये जो तुम फोर्स करते हो ना घर साफ करने के लिए, रोज नहाने के लिए, मुझे बात बताओ हर रोज कोई नहाता थोड़ी है। इम्पॉसिबल क्या, मुझे एक आदमी का नाम बताओ जो रोजाना नहाता होगा। क्या ड्राई क्लीन टाइप का राज, नॉर्मल इंसान रोज नहाता और तुम नॉर्मल नहीं थे, तुम्हें नॉर्मल मैंने बनाया। अब बैचलर होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि जानवरों की तरह जिंदगी बिताई जाए, हाँ इंसान बनाया है मैंने तुम्हें, इंसान मैं लाई हूँ तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन, ये बात तुम मानो चाहे ना मानो। तुम सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं बल्कि प्यार लिख रही हो, तुम्हारे बगैर मेरे जिंदगी की कोई भी मायने नहीं होती। सच में? बिल्कुल। क्या हो गया मतलब? प्यार के साथ साथ बहुत दर्द भी दे रही हो मुझे तुम, एक ही दिन में घर की सफाई कर ली तुमने। अरे यार पूरे बॉडी में हेडेक हो रहा है मेरा, चार दिन लगेंगे इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए। क्या राज, तुम मेरे लिए इतना भी दर्द बर्दाश्त कर सकते? इतना क्या, तुम्हारे लिए तो मैं इससे कहीं ज्यादा दर्द से सकता हूं, क्योंकि मर्द को कोई दर्द नहीं। हाँ? बिल्कुल 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 संजना की बच्ची, ये अच्छा नहीं किया तुमने। संजना शबरी आती किसी आदमी की मजबूरी का फायदा उठा दे नहीं, ठीक है लकी की मम्मी बच्चों देख लूंगा, इस अन्याय का बदला मैं लूंगा, सुना तुमने? That's called. क्या हो रहा है यार? पेश करते हैं 10 रुपए वाला पेप्सी। सुमित बेटा। अरे काका आप? घर में ये बेसन के लड्डू बने थे, तुम्हारे लिए भिजवाए हैं कौशल्या ने, लो लो बेटा खाओ खाओ। अरे आपने क्यों तकलीफ की? अरे खाओ बेटा बस खाओ। मैंने देखा शोर आया था यहाँ, वो तुम्हें मनाने आया था ना? हाँ जी काका। देखो बेटा मैं ये तो नहीं जानता कि तुम दोनों भाइयों में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं
कि जिंदगी में कुछ गलतियों को माफ कर देना ही बेहतर होता है। बरसों के बनाए रिश्ते को छोटे से मन मुटाव में खत्म कर देना कोई समझदारी की बात नहीं है बेटा। मैं जानता हूं काका, लेकिन काका शौर्य के लिए मेरा जो फर्ज था वो मैं निभा चुका हूं। अब आने वाली जिंदगी को अपने तरीके से गुजारना ये उसकी जिम्मेदारी है। बेटा अपनों के लिए जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, उसे हर पल तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें भी उसकी, है ना? और जब कोई दिल से माफी मांग रहा हो तो जो भी भूल उसने की हो अगर वाकई उसे उसका एहसास है तो माफी का हकदार है। बेटा तुम दोनों को हमेशा से एक दूसरे का ख्याल करते देखता आया हूं मैं। और फिर बेटा रिश्ते किसी मकसद को पूरा करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। शौर्य की कामयाबी के साथ ही तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई? हाँ ऐसी बात नहीं है बेटा, दोस्ती का फर्ज तो तुमने पूरा कर दिया, लेकिन जब शौर्य को अपना भाई मान चुके हो तो इस रिश्ते को भी जिंदगी भर निभाना तुम्हारा फर्ज है। उम्र में तुम शौर्य से बड़े हो बेटा, समझदार भी हो, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं। अगर मेरी कोई बात तुम्हें सही ना लगे तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे काका ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो जिंदगी के रास्ते इतने आसान नहीं होते, हर कदम पर संभलने के लिए किसी अपने की जरूरत तो पड़ ही जाती है। हा? और फिर तुम्हारे अलावा शौर्य का है ही कौन? हाँ काका, और मेरे लिए भी जो भी कुछ है बस वही है। मैं शौर्य का साथ नहीं छोड़ सकता काका, और उसे मैं माफ भी कर चुका हूं, उसके लिए मेरे दिल में कोई बैर नहीं है काका। लेकिन मैं यहां से नहीं जा सकता। यहां रहने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि यहां के लोगों को मेरी मदद की ज्यादा जरूरत है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। अरे काका शौर्य के साथ तो मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूं, आप लोगों की मदद करना चाहता हूं काका। मैं यहां रहने वाले लोगों की परेशानियों को कतई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मदद तो तुम समाज की तब कर पाओगे ना जब मदद करने के काबिल बनोगे। तुम्हारे यहां रहने से तो किसी के हालात नहीं बदलेंगे। तुम अपने दोस्त का साथ दो, और रही यहां की बात तो यहां मैं हूं ना, जब भी मैं समझूंगा कि तुम किसी की मदद कर सकते हो मैं खुद उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। देखो बेटी इस माहौल से कुछ ही लोगों को वो भविष्य मिला है जो तुम्हें नसीब हुआ है। इस तरह अपनी तकदीर को ठुकरा कर तुम अपने साथ ही नहीं उन हजारों नौजवानों के साथ भी अन्याय करोगे जो शायद तुम्हारे बदले ये तरक्की की जिंदगी जी सकते थे, और उसके लिए तकदीर ने तुम्हें चुना है बेटे, तुम्हें। उसके फैसले को खुशी से अपनाओ, अपनी खुशकिस्मती को बदनसीबी में मत बदलो। तुम दोनों ने जिस मेहनत से जिंदगी में अपनी एक जगह बनाई है उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर कबूल करो बेटा। अरे सारे इम्तिहानों का सामना करने के बाद हार मान लेना तो कोई भलाई की बात नहीं है। हा? और देखो बेटा शौर्य के साथ ये सफर तुमने भी शुरू किया था। हा? जी। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि शौर्य को बीच रास्ते में अकेला छोड़ देना सही फैसला नहीं होगा। जी काका। एक करोड़ लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है। अरे बेटा अंदर आओ,
आओ बेटा आओ। इस भाई को माफ कर दे प्लीज। तुझे याद है शौर, इसी खोली में मां दिया जलाया करती थी, वहां उधर भगवान के सामने। भले उनकी अपनी जिंदगी मुश्किलों से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी वो दिया जलाती थी भगवान के सामने, सिर्फ हम दोनों के लिए, हम दोनों की कामयाबी के लिए, ताकि हम खुश रहें। और आज इन्हीं दुआओं की वजह से हम लोग जिंदगी को जीने के काबिल हुए, इतनी दूर तक आए। सब मां की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से। शौर्य, आज जब हम सफर फिर से तय कर रहे हैं एक साथ, मैं चाहता हूं कि उसी प्रथा को एक बार फिर से दोबारा दोहरा जाए। हम दिया जलाएंगे भगवान के सामने, और मां जहां कहीं भी हो वो देखकर ये खुश होगी, उसे सुकून मिलेगा कि उसके दोनों बेटे आज भी एक साथ हैं, मिलकर हैं। मां की यादों को फिर से जिंदा करने का इससे अच्छा मौका नहीं हमारे पास शौर्य। चल चल, एक बार फिर से दिया जलाते हैं भाई, भगवान के सामने फिर से दिया जलाएंगे। जब तुम्हारे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने मेरे मां के नसीब में इतने दुख लिख दिए। तुमसे मदद की उम्मीद की थी उन्होंने जिंदगी भर, लेकिन तुमने उन्हें अपने होने का एहसास उनके मरते दम तक भी नहीं कराया। मां, मैं जानता हूं आपकी नजरें आज भी हमें देख रही हैं, आपका मन आज भी हमारी परवाह करना भूला नहीं। आपके होने का एहसास ही हमारी ताकत है मां, इस भगवान का नहीं। हमें हर घड़ी आपके साथ की जरूरत है मां। अपने बेटों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मां। आपका और शामिता का साथ ही मेरी जिंदगी की जरूरत है, इसे बरकरार रखना मां, सलामत रखना।
हम चलते हैं। जीते रहो बेटा। काका, हम अपनी बसाई हुई दुनिया में तो वापस जा रहे हैं, लेकिन इस अपनी असली दुनिया को कभी नहीं भूल पाएंगे। यह सफर यहीं पर खत्म नहीं होता है काका। आपसे जुड़े हर रिश्ते, हर नाते हम हमेशा याद रखेंगे। उन्हें भुलाना हमारे लिए नामुमकिन है काका। देखो बेटा, जिंदगी कुछ ही लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है, उसने वो मौका तुम्हें दिया है, और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ये मौका कभी मत गंवाना बेटा, कभी ना गंवाना। काका, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। जरूर आना बेटा, जरूर आना। काका, जिन यादों को हम भूल चुके थे, अच्छा हुआ कि वो यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। यहां बिताया हुआ हर पल हमें हमेशा याद रहेंगे, और हां, ये जगह छोड़कर नहीं, सारे रिश्ते नातों को जोड़कर जा रहा हूं यहां से काका। अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा। चले शरीर। यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को जीत की राह पर ले जाने का यह मेरा आखिरी दाव है। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह फैसला मेरे कंपनी के खोए हुए पैसे को लौटाने में मुझे कामयाबी दिलाएगा। कंपनी के हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुझे इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करना होगा। बहुत जल्द इस शॉल की जगह एक शॉपिंग मॉल बनकर तैयार हो जाएगा, और तब एक बार फिर हर एक की जुबान पर यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम होगा, और मैं अपने इस सपने को हर हाल में हकीकत में बदल कर रहूंगा, और ये बहुत जल्द होगा।
चारों लोग ऐसे हैं जो सड़क पर सोते हैं, जिनके पास घर नहीं है।